आईपीएल के 13वें सीजन का शेड्यूल सामने आ चुका है और इसमें पहला मैच चार बार की इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना तीन बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होने वाला है। हालांकि चेन्नई के सामने एक छोटी सी मुश्किल है कि वो बिना विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश रैना और स्पिनर किंग हरभजन सिंह के कैसे अपनी रणनीति बनाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रैना वापसी का इशारा कर रहे हैं, लेकिन रैना के वापसी के दरवाजे अब धोनी और चेन्नई नहीं बल्कि बीसीसीआई खोलेगी। दरअसल रिपोर्ट सामने आ रही है कि सुरेश रैना ने वापसी का मन बना लिया है और अब अपनी फिटनेस पर खासी मेहनत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें रैना को पहाड़ों के बीच वर्कआउट करते हुए देखा गया। हालांकि सुरेश रैना की वापसी राह आसान नहीं होने वाली क्योंकि अब रैना की रीएंट्री में बीसीसीआई भी आ गया है। वहीं आपको बता दें, रैना ने कुछ वक्त पहले आईपीएल और चेन्नई सुपर किंग्स से अपना नाम वापस लिया था। कुछ निजी कारणों के चलते सुरेश रैना परिवार समेत दुबई से भारत लौट आए थे, जिसके बाद टीम के मालिक एन श्रीनिवासन ने रैना को खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन उन्होंने फिर रैना को लौटने पर विचार करने को कहा था। इसके बाद आईपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेन्नई सुपर किंग की टीम से रैना की फोटो हटा दी गई। वहीं आपको बता दें, रैना की वापसी के लिए बोला जा रहा था कि अंतिम फैसला चेन्नई सुपर किंग और धोनी लेंगे, लेकिन अब सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई इस मामले में पूरी तरह से कूद गया है। बीसीसीआई अब इसलिए मामले की जांच करना चाहता है कि आखिर क्यों रैना ने वापसी की थी और फिर से पूर्व खिलाड़ी किन वजह से आईपीएल में वापस जाना चाहते हैं। रैना को इस साल अगर चेन्नई सुपर किंग की फिर से पीली जर्सी पहननी है तो उन्हें बीसीसीआई से क्लियरेंस लेनी होगी। ये सब इसलिए क्योंकि बीसीसीआई को ऐसा लग रहा है कि रैना के वापस आने के पीछे ठोस वजह नहीं थी। खैर, अब आईपीएल का काम डाउन शुरू हो गया है और अब शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा बीसीसीआई इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना को कब टीम से जुड़ने का मौका देती है, और अगर बीसीसीआई को दाल में कुछ काला लगता है तो रैना का आगे क्या होने वाला है। यार, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूले। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।